मैं 27 साल से सुभाष रोड मार्केट में प्रेजिडेंट हूँ। सर ये आज इतनी भीड़ है और यहाँ एकदम जो यहाँ की जो लेवल है जिसे मजदूर कहा करते हैं वो एकदम उग्र हो रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? आज ये जो सीलिंग इन्होंने शुरू करी है वो बिल्कुल गलत है। ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। सन 1970 में यहाँ पर व्यापार शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये मार्केट बढ़ती गई और एशिया का सबसे बड़ी मार्केट बन गई। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी सरकार आई है, उन्होंने कोई हमारी मार्केट में कोई सुविधा नहीं दी। टैक्स के नाम पर पैसा इकट्ठा किया लेकिन कोई भी सुविधा नहीं है, ना सफाई कर्मचारी काम करते हैं, ना पार्किंग है। पार्किंग शुरू करोड़ों रुपया ले चुके हैं लेकिन आज तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पुस्तक के ऊपर छोटी सी पार्किंग एक दे रखी है जिसमें हजारों गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती। रोज 10 क्रेनें आती हैं, उठा के ले जाती हैं और 5 हज़ार रुपये से लेकर 11 हज़ार रुपये तक जुर्माना लिया जा रहा है। ये मार्केट को उजाड़ा जा रहा है, घुसाया नहीं जा रहा। सरकार की तरफ से हमारी मार्केट में कोई सुविधा नहीं मिली है आज तक, ना कोई पेशाबगार बनाया गया है, ना कोई कोई सुविधा दी गई है, ना कोई व्यापारियों के लिए कोई ऐसा काम किया गया है, ना कोई धर्मशाला, ना कोई किसी काम की नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पार्किंग और ये कन्वर्जन चार्ज जो हाउस टैक्स लेते हैं वो भी कमर्शियल ले रहे हैं, लेकिन लाखों रुपया करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं लेकिन इलाके के अंदर कोई भी सरकार पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। नालियाँ हैं जो कम से कम 20-20 साल हो गए बनी हुई, 2-2 फुट गहरी नाली हो गई है लेकिन उनको भी नहीं बनाया गया है। सड़कें हैं आज तक बनी नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस ने जो ये कन्वर्जन चार्ज लगाया था इसमें 3 गलियाँ पास करी गई हैं, कमर्शियल, मिक्स लैंड यूज और प्रोडक्शन। लेकिन ये उसी टाइम अगर सारी गलियाँ कमर्शियल कर देते तो आज ये सीलिंग की नौबत नहीं आती। मैं ये चाहता हूँ सरकार के आगे, अगर ये इनका व्यापारियों को भला चाहते हैं तो ये फौरन कानून को लाए और इनको पास करें और हर दुकानदार कन्वर्जन देने के लिए तैयार है। नीचे से लेकर ऊपर तक दुकानें बनी हुई हैं और 1970 से ये काम कर रहे हैं। छोटी छोटी घरों में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनको भी पास होना चाहिए। अगर ये माल नहीं बनेगा तो दुकानदार माल बेचेंगे क्या? माल बेचेंगे तभी तो टैक्स देंगे। अगर दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें सील हो जाएंगी तो सरकार को टैक्स कहाँ से जाएगा? मेरी सरकार से यही निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी कानून को पास करे, जो छोटी छोटी गली है उनको कमर्शियल करे और दुकानदार हर टैक्स देने के लिए तैयार है। और मार्केट की सुविधा के लिए एक पार्किंग बड़ी होनी चाहिए जो मार्केट के लिए, अगर मार्केट को बसाना है, आपने टैक्स लेने हैं तो मार्केट के लिए सबसे पहले पार्किंग होनी चाहिए। मल्टी स्टोरी पार्किंग होनी चाहिए जहाँ पर 10-15 हज़ार गाड़ियाँ आए और मार्केट हमारी बस सके और मार्केट खूब टैक्स भी दे रही है। लेकिन सरकार ने आज तक हमारी मार्केट में कोई भी सुविधा नहीं दी है। व्यापारी अपने आप मेहनत करता है, अपने आप खाता है। कम से कम 2 लाख आदमी अपने सुभाष रोड, शोक गली, शोक बाजार और रामनगर और सीलमपुर और इधर उधर से इलाके के आगे रोजी रोटी कमा रहा है, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा है। अगर ये दुकानें सील होती हैं तो कन्वर्जन चार्ज नहीं मिलेगा, पार्किंग शुल्क नहीं मिलेगा, हाउस टैक्स नहीं मिलेगा। दुकानदार के पास सेल नहीं होगी, पैसा नहीं कमाएगा तो ये टैक्स कहाँ से देगा? प्रधान जी, FDI के लिए, FDI ये काम सारा FDI के लिए हो रहा है। पहले नोटबंदी हुई, फिर GST लगी और आज ये सीलिंग हो रही है। आप यहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करके देते हैं और पैसा देने के बावजूद इस तरीके का इन्होंने रवैया अपनाया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सरकार है, जो सरकार सेंटर में बैठी है वो जिम्मेदार है। पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद GST लगा दिया गया, उसके बाद सीलिंग शुरू कर दी गई। ये कहाँ ये जुल्म है? ये मार्केट को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोगों को बर्बाद करने की तुलना है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सीलिंग है ये फौरन बंद होनी चाहिए। जो गलियाँ मिक्स लैंड यूज में हैं, प्रोडक्शन में हैं, उनको कमर्शियल करके उनसे टैक्स ले लेना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है कि जो सरकार बैठी हुई है ये जल्दी से जल्दी कानून पास करे, नहीं तो ये सारे व्यापारी जो है सड़कों पर आ जाएंगे, दुकानें अपनी बंद कर देंगे और गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। इससे आज की बंद से गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान है। इसी तरीके से अगर मार्केट बंद रही, सीलिंग शुरू रही तो ये मार्केट परमानेंट बंद हो जाएगी। सारे व्यापारी एक साथ हैं।